अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हमारा प्लान बना है ससुराल जाने का, तो अभी हम थोड़ी देर में निकलने लगे हैं। क्यों प्लान बना है, किस वजह से बना है, तो ये उधर पहुँचते हैं। पहुँच के तो फिर आपको बताते हैं जी। तो अभी बाइक निकाल लिया कि अभी हम निकलने लगे हैं। शान है आज तो फुल हीरो बने हुए हो, हैं कहाँ जा रहे हो? तो अभी व्यूवर्स आए हैं हम हाकम माल में। इधर से थोड़ा सा सामान लेना था, केक लेना था हमने। तो अभी भाभी आपकी गई हैं अंदर केक लेने। तो मोहम्मद शान वो सामने मस्ती कर रहा है। तो अभी केक लेके तो फिर हम निकलेंगे आगे केक लेके। जी अभी हाकम माल में हम रुके हुए थे, तो अभी निकलने हैं आगे। ये अभी रास्ते में हम थोड़ा सा खड़े हुए हैं। ये हमें सीन बड़ा मज़े का लगा है। मैंने कहा चलें आपको इसके भी थोड़ी सी ज़ियारत करवा दें। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आगे से थोड़ा सा व्यू लेते हैं इसका। ये चेक कर रहे जी, ये नहर है। ये इधर सामने पीछे वाली साइड पे चौक है, तरकुले उसको कहते हैं। तो इधर से तीन नहरें निकल रही हैं। पहली ये है, एक उस साइड पे है, एक फिर उस साइड पे आगे तीन नहरें निकल रही हैं। तो ये देखें, ये इसको झाल कहते हैं, झाल। ये आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, कितनी मज़े की आवाज़ आ रही है पानी की। तो कितनी स्पीड से पानी जा रहा है देखिए। ये साइडों के ऊपर सारे खेत हैं, सब्जा कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमने बाइक खड़ा किया हुआ है, तो मुस्कान भी मेरे साथ है। शान पीछे पीछे पीछे, आगे नहीं जाना। आज नहर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा अप हुआ हुआ है लेवल इसका। तो पहले कुछ दिन पहले मैं आया था इधर, तो नहर में पानी बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो अभी पानी काफ़ी हद तक इसका लेवल अप हुआ हुआ है। तो अभी चलते हैं व्यूवर आगे हम। जी तो अभी ये थोड़ा सा हम आगे आए हैं। तो इधर ये एक डेरा बना हुआ है, ये सामने आपको नज़र आ रहा हो। तो उन्होंने ये इधर बहुत ही शानदार जनाब माहौल बनाया हुआ है अपना, तो बहुत ही साफ़ सुथरा। ये अभी मैं आपको सारा दिखाता हूँ, ये देखें। ये सारे इधर इन्होंने बगीचा बनाया हुआ है, ये चेक करें ज़रा। ये इन्होंने पुल बनाया हुआ है, ऊपर कलर किया हुआ है, बहुत ही इधर प्यारा शानदार लग रहा है। ये सारे आप देख लें, ये कितने एरिया में उन्होंने सारा बगीचा बनाया हुआ है। तो ये आगे उन्होंने अपने डेरे तक सारा ऐसे ही बगीचा बनाया हुआ है। मैं जब भी इधर से गुज़रता हूँ मुझे ये बड़ा मज़ेदार प्यारा लगता है। ये अभी मैं थोड़ा पीछे जा के आपको सारा चेक करवाता हूँ ना, देखें देखने पे भी कितना नाइस लग रहा है। ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही मेहनत की हुई है, बहुत प्यारा इन्होंने अपना डेरा बनाया हुआ है। ये देखें, तो अभी हम इधर कुछ थोड़े से शॉट लेते हैं लेके, तो फिर आगे निकलेंगे।
पहुंच चुके हैं घर। तो अभी हम अभी पहुंचे हैं, अभी बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, खा पी के फिर निकलते हैं वापस। तो वो खाएंगे, खा के तो फिर निकल जाएंगे थोड़ी देर तक वापस घर के। ये देखें, ये भी आलू कच्चे पड़े हुए हैं, ये चाट जनाब तैयार हो रही है। ये जनाब दो किस्म की इन्होंने चटनी बनाई हुई है, ये किस किस चीज की है, तीन किस्म की है, ये भी है, ए काई काई दी है, इमली दी नाल दूजी मिर्चा वाली है, आहो है मिर्चा वाली है इमली दी, ते दूजी है ओ दही है, मैं थे और इससे मिक्स करो। तो अभी जनाब थोड़ी देर तक चाट शाट भी खाते हैं खा। जी तो अभी ये तीन जनाब सामने छोकड़े बैठे हुए हैं, ये चार है, चार है, अंदर आए तो भी अंदर अंदर ना लो ना। तो इन छोकरों की जनाब आज सालगिरह है, ये सामने केक जनाब नजर आ रहा है आपको, अभी ये केक के जनाब चार पीस करेंगे। तो अभी ऊपर आ गए हैं छत पे, अभी लंच किया, लंच करके तो अभी हम निकलने लगे हैं वापसी के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।